अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर काफ़ी देर बाद मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं, और वो वीडियो है वेस्ट बेल्ट की लूप्स या फिर अदर लूप्स की क्या इकसाम होती हैं और लूप किन किन और चीज़ों को भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा लूप्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है लूप की एग्जाम पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे एक दोस्त ने YouTube पर कमेंट करके पूछा कि फैजान साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लूप की कितनी इकसाम होती हैं। वैसे तो दोस्तों, लूप की काफ़ी ज़्यादा इकसाम होती हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले डेनम या कोई भी पैंट, उसके ऊपर लूप की जो मुख्तलिफ इकसाम आपको नज़र आ रही होती हैं, उसके मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। और आज से पहले आपका लूप को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जब भी आप वेस्ट बेल्ट के ऊपर लगी लूप को देखते हैं तो आप उसको एक ही नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो उसकी मेकिंग भी काफ़ी अलग अलग किस्म की हुई होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बेसिक फाइव पॉकेट पैंट की बात करें, तो उसके ऊपर जो वेस्ट बेल्ट की लूप अटैच हुई होती है, उसका मेन मकसद होता क्या है? वो होता है जी, उन लूप्स के अंदर बेल्ट को एडजस्ट करना, ताकि आपकी वेस्ट जो है वो बिल्कुल फिट आए आपको, और अगर उसमें कोई लूजनेस रह गई है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन ये जो लूप्स हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अमूमन बेसिक फाइव पॉकेट पैंट की अगर बात करें, तो उस पर जो लूप लगी होती है वो नॉर्मल मेकिंग लूप होती है, जो कि आमतौर पर बनती है और अटैच हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, फोल्डर की लूप्स होती हैं। वैसे तो बेसिक पैंट के ऊपर जो लूप लगी होती हैं वो भी फोल्डर से ही मेक की जाती हैं, लेकिन उसके बाहर आउटो कटर लगे होते हैं, जो कि उसकी इजाफी ट्रिमिंग को साइड पे कर देते हैं, कट कर देते हैं, और उसको फोल्डर से गुजार कर उसको ख़ास शक्ल दे देते हैं, जैसा कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो फोल्डर में बनते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत आम होता है कि उसकी जो लूप की फैब्रिक की कटिंग है वो पूरी पूरी होनी चाहिए, यानी वो ना कम होनी चाहिए ना इजाफी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगी तो वो ओपन फोल्ड हो जाएगी, और अगर वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो डबल फोल्ड होगी, यानी वो जब आप उसको मेकिंग के लिए गुजारेंगे फोल्डर में से, तो क्या होगा कि उसमें सिलवटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था, कि एक कटिंग के थ्रू फोल्डर से होते हुए निकलती है, और एक सिर्फ और सिर्फ फोल्डर से निकल कर बनती है। दोस्तों, एक ये किस्म होती है। दूसरी लूप की किस्म होती है कि आप अगर देखें तो आपने किसी ना किसी पेंट के ऊपर जो लूप देखी है, उस पर आपको कोई भी थ्रेड नज़र नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल थ्रेडलेस लूप मेकिंग हुई होती है। लेकिन दोस्तों, डेफिनेटली कोई भी लूप बगैर स्टिच के नहीं मेक की जा सकती, इसीलिए आप उसको क्या करेंगे कि आप जब देखेंगे कि वो स्टिच लेस है, तो उसकी मेकिंग हुई होती है कि आप उसको पहले कच्चे की सिलाई लगाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ब्लाइंड स्टिच भी बोलते हैं। उस स्टिच के ज़रिए आप उसको लगाने के बाद लूप को पलटा देते हैं, जैसे कि आप एक फ्लैप को मेक करते हैं, कच्चा करते हैं और उसके बाद उसको पलटा देते हैं, इसी तरह से लूप भी कच्ची होकर पलटाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लूप होती है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये दिखने में तो एक लूप है, लेकिन इसकी मेकिंग जो है वो आसान है, लेकिन जब हम इसको पलटाने की तरफ आते हैं तो उसका प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है। वो आपको मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा दिखाने की, अगर तो दिखा सका तब भी ठीक है, नहीं तो वो मैं आपको पिक्चर के ज़रिए कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ इकसाम थी बेसिक और फोल्डर और फिर विदाउट स्टिच लूप के मुतालिक। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट बेल्ट के ऊपर अक्सर आपने चौड़ाई में लूप लगी देखी होगी, वो फैशन के तौर पर भी बनाई जाती हैं, यानी फैशन के तौर पर आप किसी भी तरह की लूप बना सकते हैं, वो प्यू पैच की तरह भी बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी लूप भी लगा सकते हैं, उसके अलावा अगर आप चाहें तो एम्बॉसिंग लूप भी लगा सकते हैं। तो ये जो लूप्स होती हैं ये कई किस्म की होती हैं, ये कस्टमर के डिमांड पर भी डिपेंड करता है।
वैसे दोस्तों लूप के जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है हैंगिंग लूप, यानी उसके अंदर कोई भी चीज हैंग की जाए, लटकाई जाए या इंसर्ट की जाए उसको लूप ही बोला जाता है, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कोई भी शर्ट है, अगर आप देखें या गौर करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी हैंगिंग लेबल भी आपके लगे होते हैं, जहां पर आपके प्राइस स्टिकर्स वगैरह या फिर कोई भी टैग जो है वो अटैच हुए होते हैं। उसके अलावा अगर आप शर्ट वगैरह में देखें तो आपको कहीं ना कहीं उसकी हैंगिंग लूप नज़र आ जाएगी, जिसके ज़रिए वो कोई ना कोई प्राइस स्टिकर या फिर हैंग टैग जो है उसको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की आप इस कैटेगरी से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल करके बताने की कोशिश की है कि लूप कितनी किस्म के होते हैं और किस किस किस्म के लूप्स बनाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज तक अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आज के बाद आप कोई भी पेंट उठाएंगे तो आप मेरे ख्याल से नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि लूप किस किस्म का बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इससे अलावा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों आप मुझे YouTube के अलावा Facebook, TikTok और स्नैप वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने IDs, चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उसका फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ फैजान, अस्सलाम वालेकुम।